मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ब्लैकमेलिंग के बाद आखिर हो गया मर्डर। एक कपड़ा व्यापारी कपिल गुप्ता ने 29 साल की प्रियंका, जो पेशे से टीचर थी, उसकी हत्या कर बोरी में भरकर लाश फेंक दिया। दरअसल अलवर करतारपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझा लिया है। दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाली प्रियंका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कपड़ा व्यापारी कपिल गुप्ता के घर पर जाया करती थी। इसी दौरान प्रियंका और कपिल गुप्ता के बीच में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, यहां तक कि बाहर घूमने के लिए भी जाने लगे। मगर ये मामला तब बिगड़ गया जब प्रियंका शादी का दबाव कपिल पर बनाने लगी। कपिल शादी करने से इनकार कर रहा था। प्रियंका ने उसे ब्लैक मिलकर 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। प्यार इश्क के इस खेल में दुश्मनी और पैसों के बीच अनहोनी होने का इशारा भी होने लगा और आखिरकार कपिल ने कार में गला दबाकर प्रियंका को मार डाला और बोरी में भरकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयारी भी कर ली। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी पत्नी सुनैना गुप्ता, राजकिशोर और सचिन का सहारा लिया। 16 मार्च को एक पुलिये के नीचे से बोरी में प्रियंका की लाश बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई और आखिरकार जब इस हत्या का खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। पुलिस ने प्रियंका के हत्या के मामले में कपिल गुप्ता और उसकी बीवी सुनैना गुप्ता, राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। तकनीकी संसाधनों और आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया और विभिन्न टीमें गठित की जा करके मृतका की शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए और मुलजिमान की पहचान की गई। तो ज्ञात हुआ कि गांधीनगर थाना इलाका दिल्ली से एक महिला प्रियंका बैल, वो 14 मार्च से घर से पैसे निकलवाने के लिए बैंक गई थी, वापस नहीं लौटी, जिसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ थाने में दर्ज करवा रखी थी। जो टीम है उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपराधियों को चिन्हित किया और दिल्ली से इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य जो आरोपी हैं कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता और उसके दो नौकर राजकिशोर व सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया और वारदात में काम में ली गई गाड़ी इको स्पोर्ट्स को जब्त किया गया। मुलजिमान से प्रकरण में आगे तफ्तीश जारी है।